फेल्योर क्यों होते हैं उसका भी रीजन आपको बताता हूँ कि क्यों क्या रीजन होते हैं कि आप हम फेल हो जाते हैं और क्या रीजन होता है कि कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि कुछ वैल्यू मिल सकती है, अगर आपको लगता है कि यस मुझे भी सक्सेस होना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है यार, क्योंकि लास्ट तक देखोगे तभी शायद मैं आप सबकी हेल्प कर पाऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, समझते हैं डीप में कि सक्सेस में क्या सबसे बड़ा रोड है, किस चीज का होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस चीज का होता है, पहले वो समझते हैं। तो पहला प्रॉब्लम जो होता है गाइस वो ये होता है कि हम लोग सही तरीके से सेक्टर का चुनाव नहीं कर पाते। सिविल इंजीनियरिंग बहुत ही ब्रॉड है, ठीक है, इसमें साइट सुपरविजन है, साइट इंजीनियर की प्रोफाइल है, प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रोफाइल है, स्ट्रक्चर इंजीनियर की प्रोफाइल है, बीम इंजीनियर की प्रोफाइल है, मींस यहाँ पर 3D मॉड्यूलर की प्रोफाइल है, टेक्ला डिटेलर की प्रोफाइल है, 3D डिटेलिंग्स की प्रोफाइल है, मींस अप्रॉक्स अगर मैं बात करूँ, अगर पूरा का पूरा आपको एक दिन कहो, आप लोग अगर वीडियो कमेंट करो मैं बताऊंगा एक दिन के अंदर कि लगभग कितनी ढेर सारी प्रोफाइल है। डैम स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग है अलग से, ब्रिज की अलग से डिजाइनिंग है, मींस लगभग अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो अप्रॉक्स 35 से 40 डोमेन है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। अब सोचो कि जिस बच्चे को पता ही नहीं कि किस डोमेन में हमें अपना करियर बनाना है, वो पहले ही गलती कर बैठता है, फिर वो क्या करता है 5-6 साल उसके करियर के, आप सब इससे कोरिलेट कर पाओगे, 5-6 साल इस डोमेन में उसको प्रॉब्लम हो जाती है, क्या ये करूं कि ये करूं कि ये करूं, चलो कुछ दिन तक साइड पे किया, फिर बात समझ आ गया यार इसमें तो हमारा ग्रोथ ही नहीं दिख रहा है, फिर उसने स्विच किया, फिर हो सकता है हो जाए एस्टिमेशन में, फिर उसको लगा कि यार मैं तो एस्टिमेशन करते करते एक टाइम पे पर्टिकुलर फिक्स हो गया हूं, अब नेक्स्ट क्या होगा, कैसे हमें ग्रोथ मिलेगी, मींस ब्लॉक हो जाता है। 2-3 साल तो ग्रोथ दिखाई देता है क्योंकि 12,000 की सैलरी है, तो अगले साल 13-15-18-20-25 तक तो गए, पर उसके बाद कैसे ब्रॉड करें। यही पर अगर आपको सही तरीके से गाइड मिल जाए, सही तरीके का डायरेक्शन मिल जाए, तो सबसे अच्छा टाइम है आपके सक्सेस को पाने का, कि आपको 10 चीजों का एक्सपेरिमेंट करना न पड़े। मींस एक तरीके से आपके पास फोर्स है, लेकिन वो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में ब्लॉक हो जा रहा है। कभी कुछ लोगों ने बता दिया कि गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा है, गए 4-5 साल उधर भी इन्वेस्ट कर दिया, फिर किसी ने बताया कि साइट में जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ सीख नहीं पाओगे, ऐसा सब गलत है, ठीक है, तो वो वहां पर गए, वहां पर भी 2-4 साल लगा दिया, फिर किसी ने बताया कि जब तक ब्रिज का काम नहीं सीखोगे तब तक सिविल इंजीनियरिंग बड़ा नहीं करोगे, मतलब 10 साल हम अपना इसी में बर्बाद कर दिए। तो ये गाइस आपको मैं अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ये गलती मत करो। आज के टाइम में अवेयरनेस की कमी नहीं है, जब हम लोगों ने पास आउट किया तो उस टाइम पर डेफिनेटली ये प्रॉब्लम थी कि हम लोग सर्च नहीं कर सकते थे डोमेन्स के बारे में, ज्यादा किसी ने नॉलेज नहीं शेयर किया था कि कौन कौन से डोमेन्स होते हैं, आज के टाइम में हर एक नॉलेज अवेलेबल है, तब हम लोग के पास डेफिनेटली, आप सबको भी पता है कि जियो के आने से पहले हम लोग का कंडीशन क्या था कि 1GB 2GB डाटा होता था, और 1-2GB डाटा में हम लोग क्या क्या सर्च करते, और इतने अच्छे बेहतरीन मोबाइल्स भी नहीं होते थे, तो समस्या तब थी, बट अब समस्या नहीं है, बहाना है, अब आप आराम से समझ सकते हो, आराम से हर सेक्टर का डीप नॉलेज ले सकते हो, उसके बाद डिसाइड कर सकते हो कि किस सेक्टर में सर जाऊं। वैसे तो अगर मेरे से पूछोगे तो मैं 4-5 सेक्टर जो मेरे फेवरेट हैं, जिनमें मैंने थोड़े बहुत काम किए हुए, वो सेक्टर्स में आपको शेयर कर सकते हो, बट सही बात यह होगा कि आपको मेरे भी सेक्टर्स नहीं फॉलो करना चाहिए, आपको अपने दिल को फॉलो करना चाहिए, अपना नॉलेज खुद से कलेक्ट करना चाहिए, कौन कौन से सेक्टर्स में आप करियर बना सकते हो गाइस। आप बना सकते हो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में, बीम इंजीनियरिंग में करियर बना सकते हो, अभी स्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत ढेर सारे हैं, किसी दिन उस पर भी डीप चर्चा करूंगा, बीम में भी बहुत ढेर सारे हैं उस पर भी चर्चा करूंगा। इसके बाद आप लोग प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स पीईबी पे काम कर सकते हो, उसके साथ आप प्री कास्ट इंजीनियरिंग में काम कर सकते हो, उसके साथ आप स्टील स्ट्रक्चर्स में काम कर सकते हो, ये कुछ मेरे फेवरेट डोमेन है। इसके अलावा एस्टिमेशन इंजीनियरिंग में भी करोगे तो भी वहां पर भी काफी इसको मिल जाता है गाइस। बट फिर बोलूंगा कि इनकी इंक्वायरी लो, आपको किसी में इंटरेस्ट है उसको राइट डिसीजन लो, अगर राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे तो इन फ्यूचर आपको फिर से चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, फिर वही हो गया कि एक डायरेक्शन हमको पहुंचना था आप तक, एक तरीका तो था कि मैंने आपको गाइड कर दिया और फटाफट आप यहां से आ गए, और एक तरीका यह था कि पहले हम इधर गए फिर इधर, नहीं नहीं सही नहीं, फिर इधर गए, मतलब आप तक आना है, आने में मुझे 10 साल लगे, आप मेरी सक्सेस हो और आप तक आने में 10 साल मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो मेरा लॉस हुआ ना। तरीके से एक तरीका था कि 1 से 1.5 साल अगर मैं एक सेक्टर में फोकस कर पाता तो शायद आज मुझे ये प्रॉब्लम ही नहीं होती, शायद मुझे मेरा टाइम सेव हो गया होता और हम अच्छे सैलरी पैकेज पर गए होते। तो पहला फेलियर आपको रीजन बता दिया कि क्या फेलियर होता है, कि राइट डिसीजन नहीं ले पाते, सक्सेस कैसे मिलेगा, राइट डिसीजन मिलने से, दोनों मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा, अब आपने किसी भी डोमेन में सपोज जॉब पा ली है, मैं किसी भी डोमेन की बात कर रहा हूं, ठीक, सिविल में किसी भी डोमेन, साइट पे, डिजाइनिंग में, स्ट्रक्चर्स में, वहां पे ब्लॉक मत हो जाओ। आप इसे बहुत ढेर सारे लोग जॉब कर रहे होंगे लेकिन वो कुछ 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 की सैलरी में ब्लॉक हो गए होंगे,
ठीक है, तो वो ब्लॉक मत हो यार। क्या करना है आपको, आपको और सर्च करना है कि और हम क्या कर सकते हैं, मींस इस सेक्टर में और क्या बेटर कर सकते हैं। ऐड न्यू स्किल्स गाइस, जब तक न्यू स्किल्स नहीं ऐड करोगे तब तक आपके लिए अच्छा डिसीजन हो ही नहीं पाएगा। और क्यों, क्योंकि अगर आप नई चीजों को ऐड नहीं करोगे, आपका फेल्योर का रीजन है कि नई चीजों को फेल्योर अगर नहीं ऐड कर रहे हो तो दूसरा तरीका है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और क्यों, क्योंकि डेफिनेटली जब नई नई चीजों को सीखोगे तो नई नई कंपनियों में स्विच करोगे, और जब नए नए कंपनियों में स्विच करोगे तो डेफिनेटली वहां पर पैकेज आपके बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले। तो ब्लॉक मत हो जाओ एक कंपनी में, एक साल करो, छह महीने करो, डेढ़ साल करो, बहुत है। अगर किसी ने ज्ञान दिया कि पांच साल एक कंपनी में लगाना चाहिए तो उसका ज्ञान उसके पास ही रहने दो, एक से डेढ़ साल बहुत है। कंपनियां आपको यूज करती हैं, आप अपने नॉलेज को यूज करके आगे जाओ, नहीं जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे। इस चीज को ध्यान देना। दूसरा मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तीसरा मेरा एक्सपीरियंस है, अभी आपको आपको रिलेट ना कर पाओ, तीसरा मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब तक आप सैलरी तो ठीक है आप बढ़ते चले जाओगे, एक टाइम के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि अब मेरी सैलरी काफी ब्लॉक हो जा रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तब आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना पड़ेगा। अगर उस तरफ नहीं गए, अगर उसके लिए आपने पार्ट टाइम कुछ स्टार्ट नहीं किया तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए सक्सेस का तरीका यह है कि आप ये तो जरूर सीखो कि हमको किस तरीके से पार्ट टाइम करना है, और उसके साथ ये भी सीखो कि उसको कैसे डेवलप करना है, कैसे इसको बड़ा करना है। अगर इन तीन स्टेप्स को आपने फॉलो कर लिया तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि 6 से 7 साल के बाद आप अपने आप को एक अलग रूप में देखोगे, एक अलग पहचान होगी आपकी। क्यों, क्योंकि आपके खुद के कुछ कुछ आप बिल्ड किए रहोगे। ऐसा महसूस होगा कि मैं 10 घंटे भी दे रहा हूं, 12 घंटे भी दे रहा हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि 10-12 घंटे में कुछ बड़ा बिल्ड कर रहा हूं, वो भी खुद के लिए, खुद के ब्रांड के लिए। तो इस तरीके से अगर आप सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो तो ये 3-4 स्टेप्स हैं जो मेरे से आप सीखना चाहो तो सीख लो। इसके अलावा मैं सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल, मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है, आप सबको पता है, नया प्लेटफॉर्म है। आप सब ने बहुत बहुत प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आप सब ने उसको बहुत जल्दी इतना ज्यादा ग्रो कर दिया। उस चैनल पे मैं गाइडेंस दे रहा हूं, आपको प्रॉपर बता रहा हूं, हाथ पकड़ के लेकर चल रहा हूं कि आपको सिखाऊंगा, सिखा के कंपनी तक पहुंचाऊंगा। सिर्फ जितना बोलूंगा उतना कर लेना, ठीक है, कंसिस्टेंसी बना लेना। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए मैंने सिविल इंजीनियर गुरुकुल का निर्माण किया है। सो अगर आप लोगों ने उस चैनल को विजिट नहीं किया तो जरूर विजिट करिएगा। और ये जो मैंने समरी आपको दिया है कि सबसे पहले कि राइट सेक्टर को चुनाव जितना जल्दी हो सके, इसको जरूर चेक कर लेना। उसके बाद अगर आपने इस सेक्टर से चलो चूज कर लिया है तो दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि आप अपनी जो भी स्किल्स है उसको इनहेंस करना स्टार्ट करो और कंपनी को स्विच करना स्टार्ट करो, तभी आपकी सैलरी बढ़ेगी। और जब एक लेवल पे आपकी सैलरी आ जाती है 50-60 हजार रुपए पे, तो आपको ये प्लानिंग करना चाहिए पार्ट टाइम कुछ खुद का स्टार्ट कर सकते हैं क्या। ये तीसरी सीख थी, तो पार्ट टाइम अगर कुछ स्टार्ट कर सकते हो, जैसे थोड़ी सी अर्निंग ज्यादा दिया तुरंत स्विच करो इसको और आ जाओ अपने काम में। ये सबसे बेहतरीन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक तरीके से अगर बोला जाए तो मैंने अपने लाइफ की थोड़ी सी समरी आपके साथ शेयर कर दी, यही मेरी लाइफ थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लोगों ने समय दिया, इस चीज को समझा, होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर पैसा बना सकते हैं। वैसे और भी बहुत सारे टिप्स हैं, आप सबके साथ एक एक करके शेयर करता हूं, आगे भी शेयर करता रहूंगा किस तरीके से ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके किसी भी वीडियोस की जरूरत है तो नीचे कमेंट करो, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो भी कवर कर सकूं कि यार एक्स्ट्रा पैसा बनाए कैसे, पार्ट टाइम स्टार्ट कैसे करें, न्यू लर्निंग सीखे कैसे। अगर कुछ भी ऐसे डाउट्स है तो नीचे कमेंट करोगे तभी तो मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको नीड नहीं है तो फिर मैं कैसे बता सकता हूं। अगर आपको नीड है तो नीचे कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो कृपया शेयर भी करना, और सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो जाके आज यूट्यूब चैनल तो जरूर ज्वाइन कर लेना, आगे जो भी न्यूज आएगी वहां पर आप देख ही पाओगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।